अच्छा मैम, अभी जो सरकार ने जो नियम निकाला है कि 1 से लेकर के 8 तक किसी बच्चों को फेल नहीं करेंगे, तो ये कहाँ तक सही है? अगर ये देखा जाए नियम, तो सरकार का उद्देश्य तो एक तरीके से सकारात्मक ही है कि बच्चा जो है वो ड्रॉप आउट ना हो। कई बार क्या होता है, गरीब माता पिता है वो कई मुश्किलें उठा के बच्चों को भेजते हैं स्कूल, और अगर बच्चा फेल हो जाता है तो फिर उसे वो ड्रॉप आउट हो जाता है, स्कूल से दूर हो जाता है। तो सरकार ये चाहती है कि कोई भी बच्चा जो है स्कूल से, पढ़ाई से वंचित ना हो। इसके लिए सरकार ने ये नियम जो है वो निकाला है कि हर बच्चा पढ़ता रहे। फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा स्कूल जाता ही नहीं है शुरुआत से, किन्हीं भी कारणों से, आर्थिक, सामाजिक या किसी भी कारण से। वर्तमान में सरकार द्वारा आई रिपोर्ट के अनुसार 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी सामान्य जोड़ बाकी गुणा तथा भाग नहीं कर पाते। यही स्थिति कक्षा 6, 7, 8 कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी की भी है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई जा रही पढ़ाई में काफ़ी अंतर है, क्योंकि वहाँ किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी करवाया जाता है। जो इस एक्ट में है कि 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं करना है, उस एक्ट में बहुत समस्याएं हैं। क्योंकि अगर आमतौर पर देखा जाए, स्कूलों में एक माहौल ऐसा हो गया है कि ठीक है, बच्चे को 8वीं तक पास करना है तो न बच्चा पढ़ना चाहेगा और न टीचर पढ़ाना चाहेगा, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट चाहिए 8वीं का तो वो मिल जाएगा। परंतु आगे अगर भविष्य में देखा जाए कि वही बच्चा अगर 9वीं और 10वीं में जाएगा तो क्या वो उस कोर्स को पास कर पाएगा, तो वो बच्चा फिर भविष्य में क्या आगे पढ़ाई कर पाएगा, क्या वो क्वालिटी एजुकेशन उसको मिल सकेगी। मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई की गुणवत्ता की जांच कमेटी के तहत मूल्यांकन किया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि स्कूल में समय समय पर पढ़ाई की गुणवत्ता की जाँच की जाए, जिससे बच्चों की केवल नहीं अक्षर ज्ञान बल्कि उनका मानसिक विकास भी हो सके। मैं शंभूलाल कटी, राजस्थान के राजसमंद जिले से, इंडिया अनहट के लिए।